सो विल गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस सेक्शन में अभी मोस्टली यू विल सी दैट दिस क्वेश्चन आर पी वाई क्यू ऑफ जे डबल ई मोस्टली. कुछ कुछ नीट के भी है. तो फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप ऑन अप अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन. तो एक बॉडी है विच इज प्रोजेक्टेड अप अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन. तो ये एक इंक्लाइन प्लेन है एज यू कैन सी. लेंथ ऑफ दिस प्लेन इज 20√2 मीटर विद वेलोसिटी यू. तो हम इसको अप मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी यू फ्रॉम द पॉइंट एम एज शोन इन फिगर. द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 45. तो जो प्लेन है इसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल 45 है. एंड द टॉप इज कनेक्टेड टू अ वेल ऑफ डायामीटर 40 मीटर. तो जो इंक्लाइन प्लेन का टॉप है इट इज कनेक्टेड विद अ वेल ऑफ डायामीटर 40 मीटर. इफ द बॉडी जस्ट मैनेजेस टू क्रॉस द वेल. तो बॉडी ये जस्ट वेल को क्रॉस करेगा. वॉट इज द वैल्यू ऑफ वी. अब वैल्यू ऑफ वी पूछा तो है लेकिन वैल्यू ऑफ वी, वी मतलब यहाँ पे स्पीड और यू था स्पीड यहाँ पे. तो मैं एक बार क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो हमारे पास ऐसा सिचुएशन है, देयर इज अ वेल, यहाँ पे एक वेल है जिसका डायामीटर 40 मीटर का है. डायामीटर इज ऑफ 40 मीटर. गुड. देन यू हैव अ इंक्लाइन प्लेन, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन एंड समथिंग लाइक दैट. यहाँ पे आपको बोला है एम पॉइंट और ये एंगल भी आपको 45 दिया है. वैसे ये एंगल भी हमको लगना ही वाला है, 45 एंगल दिया आपको ये. और उन्होंने बोला है कि जो इंक्लाइन प्लेन ने एंगल बनाया विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल वो भी 45 ही है. तो इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ. ये 90 डिग्री है, ये 45 नहीं दिया होता तो भी तो 45 ही आता ना, बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180. ये 45 है, ये 90 है, तो ये 45 ही आने वाला था. ये एम पॉइंट है राइट. यहाँ पे स्पीड है यू और यहाँ पे स्पीड को मैं मान लेता हूँ वी. तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आएगा, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था फ्रॉम पॉइंट एम, यहाँ पे पहुँचा और यहाँ पे पहुँचने के बाद वो क्या करेगा, वो करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन और वो इस वेल को जस्ट क्रॉस करेगा. जस्ट मैनेजेस टू क्रॉस द वेल राइट. जस्ट मैनेजेस टू क्रॉस द वेल ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसा एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ. तो यू विल अंडरस्टैंड कि जितना वेल का डायामीटर है उतना रेंज है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. ये प्रोजेक्टाइल मोशन बन गया. प्रोजेक्टाइल मोशन ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन का स्पीड. इनिशियल स्पीड को नॉर्मली हम लोग यू से डिनोट करते हैं लेकिन क्वेश्चन में तुमको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के इधर वी बोला है. तो वी ये एंगल है थीटा. अब ये एंगल थीटा कैसे निकालोगे, उसके लिए ये एंगल चाहिए था. ये 45 है तो ये भी 45 है क्योंकि बेसिकली वर्टिकली अपोजिट. ये टोटल एंगल 90 है, 90 में से एक पार्ट 45 तो दूसरा भी 45 हो गया. तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना आ गया, 45 राइट. आपको क्या फाइंड करना है, यू फाइंड करना है. इधर क्वेश्चन में भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपको वी नहीं फाइंड करना, आपको यू फाइंड करना है. वी तो यू फाइंड करने के लिए वी करना ही पड़ेगा फाइंड, बट वी इज टू सिंपल. और देखो क्या है बेसिकली, इफ यू रिमेंबर रेंज का फॉर्मूला क्या था, रेंज का फॉर्मूला था इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर. हम इनिशियल वेलोसिटी को यू बोलते हैं, इन्होंने वी बोला है, वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी. साइन टू थीटा बाई जी बराबर टू थीटा. थीटा इज 45. साइन ऑफ 2 × 45 इज साइन 90. साइन 90 इज 1. और वैसे भी 45 पे रेंज मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम रेंज होता ही है इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर बाई जी. और रेंज की वैल्यू कितनी है, इक्वल टू डायामीटर. डायामीटर कितना है, 40. तो यू हैव 40 इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई जी. जी की वैल्यू मैं फिलहाल 10 मान लेता हूँ. दिया भी है क्या, नहीं, बट 10 मान लेंगे, कोई बात नहीं, 10 मान लेंगे. साइन ऑफ 2 × 45 ये तो 1 हो गया, तो आपको मिल गया वी स्क्वायर इक्वल्स टू 400. अभी वी स्क्वायर रखते हैं इसको, हमको चाहिए यू. और अगर मैं इस प्लेन के लेंथ को एस मान लेता हूँ, एस की वैल्यू दी है आपको 20√2, तो हमको पता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 2as. वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 400. 2as अभी यहाँ हो जाता है प्रॉब्लम. ए एक्सेलरेशन ए इज नॉट इक्वल टू जी हियर. क्यों नहीं होता ऐसा, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं. देखो ए इक्वल टू माइनस जी तुम कब लिखते हो या प्लस जी कब लिखते हो, जब मोशन एग्जैक्टली वर्टिकल हो. यहाँ पे मोशन प्लेन पे मोशन एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं है. सो प्लेन पे मोशन इज नॉट एग्जैक्टली वर्टिकल. तो जब एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं हो तो आपको जी के कंपोनेंट्स करने पड़ते हैं. रिमेंबर ये एंगल 45 था. रिमेंबर जी का जो डायरेक्शन होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है ऐसा. दिस इज जी. गुड. देन यू हैव
एक काम करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इफ यू नोटिस, ये जो जी का डायरेक्शन है ना, ये नीचे वाली लाइन को परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन है ये इसको परपेंडिकुलर है। दो लाइंस में अगर एंगल 45 है, तो इन दोनों लाइंस को, जो दो परपेंडिकुलर लाइंस है, उसमें भी एंगल 45 ही होगा। तो दिस इज 45 एंगल, 45 डिग्री आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा जी कॉस 45, और ये तुम्हारा यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा जी साइन 45। तो जी के दो कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे आपको, जी कॉस एंड जी साइन। वैसे यहाँ पे दोनों कंपोनेंट सेम ही आ गए, क्योंकि कॉस 45 इज 1/√2, साइन 45 आल्सो 1/√2, बराबर। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो रिटार्डेशन होगा। तो जो तो यहाँ पे ए है ना, तो इस ए की जगह पे आप लिखोगे जी साइन 45, जी साइन 45। और माइनस तो मैंने पहले ही लिख दिया, माइनस बिकॉज ऑफ रिटार्डेशन। बट तो देयर फोर जी साइन 45 इज जी बाई रूट टू, एंड देयर फोर यू हैव यू स्क्वायर, वो जो फाइंड करना था, इक्वल टू वी स्क्वायर कितना है 400, माइनस टू ए कितना है जी बाई रूट टू, और एस एस दिया हुआ है आपको 20√2, 20√2। गुड, कैंसिल एंड कैंसिल, बराबर। कुछ तो गड़बड़ है, देखते हैं गड़बड़ क्या है। बराबर, क्यों गड़बड़ है? बिकॉज 20 × 2 = 40, × 10 = 400। तो 400 − 400 = 0 हो गया, मतलब तो स्पीड 0 ही हो गया फिर, तो 0 तो नहीं है स्पीड। तो व्हाट इज रॉन्ग, आई विल टेल यू व्हाट इज रॉन्ग। लेट अस फर्स्ट वर्कआउट, एक बार एनालिसिस कर लेते क्या गलत है। ये फॉर्मूला सही था, इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, बराबर। गुड, आर की वैल्यू 40 आएगी क्या? यस 40 आएगी। गुड, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा, 45 एंगल था तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो गई। यस, जी की वैल्यू 10 लिख दी तुमने, यस। तो वी स्क्वायर कितना आ गया 400, ये भी करेक्ट है। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। गलती क्या हुई हमारी, छोटे छोटे गलती ऐसे ही होती है। इस इक्वेशन में ना तुमने ए को माइनस लिखा नहीं है, ये सब तुमने सिर्फ इतना किया, इसको यहां लाए तो उसकी वजह से माइनस आया। ये 2as हमने शिफ्ट किया, उसकी वजह से माइनस आया। तो रिटार्डेशन, रिटार्डेशन माइनस होता है, तो तुमको और एक माइनस करना पड़ेगा, मतलब प्लस आएगा। ओके, तो ये छोटे छोटे कॉमन मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो ध्यान देना ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ये माइनस लिखने वाले हो तुम, रिटार्डेशन है माइनस, तो माइनस, और पहले से माइनस था वो हो गया प्लस। गुड, तो यू हैव यू स्क्वायर इक्वल्स टू 400, और ये भी 400, क्योंकि जी की वैल्यू 10 आ जाएगी, 400। तो यू स्क्वायर की वैल्यू 800 आ जाएगी, 800। तो यू की वैल्यू हो जाएगी 100 × 8√, या फिर सीधा सीधा ऐसा लिख लेते हैं इसको, 400 × 2, तो 20√2। तो योर आंसर विल बी 20√2, 20√2, सिंपल सिंपल। तो अप्रोच क्लियर रखो, प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट लगा के तुमने पहले इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर लिया, प्रोजेक्टाइल का इनिशियल, राइट। लेकिन ये इंक्लाइन प्लेन के हिसाब से ये वी फाइनल वेलोसिटी है, तो तुमने पहले वी फाइंड किया, फिर तुमने वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करके तुमने यू फाइंड किया। सिर्फ इतना याद रखना, ए ये माइनस जी नहीं आएगा, ये माइनस जी साइन 45 आएगा, क्योंकि मोशन इंक्लाइन प्लेन पे था। तो जब इंक्लाइन प्लेन पे मोशन था, तो जी साइन 45 मोशन को अपोज कर रहा है, दैट इज वाई यू हैव माइनस जी साइन 45। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इट इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। टू पार्टिकल्स आर सेपरेटेड एट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स, तो दो पार्टिकल्स है विच आर सेपरेटेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स एज शोन इन फिगर, दे आर प्रोजेक्टेड एट द सेम टाइम, दोनों एक ही टाइम पे प्रोजेक्ट किए एज शोन इन फिगर विद डिफरेंट इनिशियल स्पीड। बी का स्पीड था यू, इसका स्पीड है u/√3। द टाइम आफ्टर विच द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम जीरो, तो कितने टाइम के बाद दोनों पार्टिकल्स का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बिकम जीरो। तो ऐसा करेंगे, यू हैव अ प्लेन समथिंग लाइक दैट,
इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो है एक्स। देन यहां पे एक पॉइंट है आपके पास ए, ये पॉइंट आपके पास बी। ओके, देन ए को आपने प्रोजेक्ट किया, ए को आपने प्रोजेक्ट कर दिया 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, और इसका जो स्पीड था वो था यू बाय रूट थ्री, मतलब यू वन की वैल्यू थी यू बाय रूट थ्री। और दूसरे को आपने प्रोजेक्ट किया 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, इसको थीटा टू बोल देता हूँ, और ये यू टू की वैल्यू जो है वो है यू। गुड, और ये है आपके पास थीटा वन। गुड, अब होगा क्या, दोनों प्रोजेक्टाइल मोशंस हैं, अब होगा ऐसा कि ये ऐसा जाएगा और ये ऐसा आएगा, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। जब वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तब उनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 होगा, और क्वेश्चन में बोला भी वैसा था, द टाइम आफ्टर विच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम 0। तो उस स्टेज पे जब वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना है एक्स वन, और ये कितना है एक्स टू, एक्स वन एंड एक्स टू, एक्स वन एंड एक्स टू, रिमेंबर। तो आपको सिर्फ अभी एक्स वन और एक्स टू फाइंड करना है, एक्स वन एंड एक्स टू फाइंड करना है। वो कैसे करोगे, सिंपल है, एस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वेयर। अब ये क्यों यूज करना है, क्योंकि पहली बात तो एक्स मतलब डिस्टेंस होता है, दूसरा सेकेंड थिंग इज दैट कि तुमको पूछा भी तो टाइम है, तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें डिस्टेंस और टाइम आ जाए, ये है। एस मतलब एक्स, यू मतलब यू एक्स टी, और ए एक्स तो 0 होता है क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट 0 ही आता है, तो 0 राइट। इफ यू लुक एट द डायग्राम, लुक एट अ डायग्राम, चलो डायग्राम से पहले ऐसा करते हैं, व्हाट इज यू एक्स, इट इज यू कॉस थीटा टी। तो अगर मैं एक्स वन फाइंड करूं तो हो जाएगा यू वन कॉस थीटा वन टी, और अगर मैं एक्स टू फाइंड करूं तो वो आ जाएगा यू टू कॉस थीटा टू टी, और इफ यू लुक तो एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू एक्स है, एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल्स टू एक्स, इक्वेशन नंबर 3। तो ऐसा करेंगे क्योंकि जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ना, तब एक्स वन प्लस एक्स टू की वैल्यू एक्स आ रही है, और एक्स वन और एक्स टू तुमने फाइंड किया। अब ऐसा करो, जस्ट सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इन 3, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, एक्स वन है यू वन कॉस थीटा वन टी, एक्स टू है यू टू कॉस थीटा टू टी इक्वल टू एक्स। तो टी कॉमन निकाल लिया, यू वन की वैल्यू थी यू बाय रूट थ्री, कॉस ऑफ थीटा वन था 30, 30 था 30, यू टू की वैल्यू यू है और कॉस ऑफ थीटा टू इज 60 इक्वल्स टू एक्स। तो टी इक्वल्स टू, सॉरी, टी इंटू यू बाय रूट थ्री, वॉट इज कॉस 30, रूट थ्री बाई टू यू, और ये हो जाता है कॉस 60 इज 1/2 इक्वल्स टू एक्स। सो देयर फॉर रूट थ्री कैंसल, रूट थ्री कैंसल, तो यू बाई टू प्लस यू बाई टू इक्वल्स टू एक्स, यू बाई टू और यू बाई टू हो गया यू, तो यू टी इक्वल्स टू एक्स, तो टी इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू। तो कितने टाइम के बाद क्रॉस करेंगे, एक्स अपॉन यू के बाद क्रॉस करेंगे, ऑप्शन नंबर बी आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, वॉज अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकज एंड सुधीर आर प्लेइंग विथ टू डिफरेंट बॉल्स ऑफ मासेस एम एंड टू एम। इफ पंकज थ्रोज इज बॉल वर्टिकली अप, पंकज ने अपना बॉल वर्टिकली अप थ्रो कर दिया, एंड सुधीर एट एन एंगल थीटा, तो सुधीर ने थ्रो किया एट एन एंगल थीटा, थीटा विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल मानना पड़ेगा। बोथ ऑफ देम स्टे इन आर व्यू फॉर द सेम पीरियड, द हाइट अटेंड बाय द टू बॉल्स आर इन द रेशियो। सबसे पहले पंकज एंड सुधीर, तो पंकज ने अपना बॉल वर्टिकली अप थ्रो किया है, वर्टिकली अप ऐसा, सुधीर ने जो बॉल है वो थ्रो किया है एट एन एंगल थीटा,
अब इशू क्या है कि नॉर्मली हम लोग एंगल मेजर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, लेकिन यहाँ बोला नहीं है। फिर आप बोलोगे तो वर्टिकल भी नहीं बोला। हाँ नहीं बोला, लेकिन पंकज ने वर्टिकली अब थ्रो किया ऐसा बोला है, और सुधीर ने थीटा एंगल पे थ्रो किया है, तो इनिशियल कंडीशन वर्टिकल वाला था, तो वहां से एंगल थीटा लिया जाएगा। तो रिमेम्बर, इन केस ऑफ सुधीर हमको पहले मान के चलना पड़ेगा। क्या मान के चलना पड़ेगा? कि जो एंगल था वो थीटा विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल था। आंसर नहीं आया तो देख लेंगे तब का तब, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हाँ ये याद रखना आप। और उन्होंने बोला है कि बोथ ऑफ देम स्टे इन आर रिव्यू फॉर द सेम पीरियड, मतलब दोनों का टाइम पीरियड सेम है, T1 इक्वल्स टू T2 है टाइम पीरियड, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। टाइम पीरियड तो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है क्योंकि बोथ ऑफ देम रिमेन इन आर व्यू, मतलब रिमेन इन एयर फॉर द सेम टाइम, T1 इक्वल टू T2। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? 2u sin θ/g। बराबर, पक्का पक्का, गुड गुड, श्योर श्योर। वैसे आपको पूछा क्या है? आपको पूछा हाइट, आपको पूछा है हाइट, देन आस्किंग यू हाइट 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 हाइट। अब इस पे वापस आता हूं मैं, लेकिन थोड़ा सा हाइट का इक्वेशन पता होना चाहिए। हाइट का इक्वेशन है u² sin²θ/2g, राइट? आपको रेशियो ऑफ हाइट पूछा है, रेशियो ऑफ हाइट पूछा है। जी तो कांस्टेंट है, तो एच इज प्रोपोर्शनल टू u² sin²θ। थीटा भी पता है, एक का तो एंगल 0 आएगा, सॉरी 90 आएगा, क्योंकि वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल से 90, और एक का थीटा एंगल वर्टिकल से, तो हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा। तो पंकज के केस में एंगल 90 डिग्री लेना पड़ेगा आपको। तो एंगल भी पता है, मतलब मुझे यू चाहिए, मुझे यू का रेशियो मिल गया तो मेरा काम हो गया। तो ऐसा करो, सिंपल है, u1 sin θ1, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर बॉल थ्रोन बाय पंकज इज 2u1 sin θ1/g, और यहाँ पे आ जाएगा 2u2 sin θ2/g। 2/g 2/g तो हो जाएगा कैंसल, u1 sin θ1 की वैल्यू 90 है और थीटा टू की वैल्यू 90 माइनस थीटा है, तो sin 90 इक्वल्स टू u2 sin of 90 माइनस थीटा, दैट इज cos थीटा। याद रखना। तो आपको मिल गया यहाँ से, आपको मिल गया यहाँ से u1 इक्वल्स टू u2 cos 90, cos थीटा, क्योंकि sin of 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। इक्वेशन नंबर वन। देयरफॉर h1 by h2 इक्वल्स टू u1 स्क्वायर, एक काम करता हूँ ना, स्क्वायर ही है ना, तो u1 sin θ1 upon u2 sin θ2 whole square लिख लेता हूँ। इसमें थीटा वन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग 90 sin 90, ओके और थीटा टू को लिख देते हैं 90 माइनस थीटा, इसका स्क्वायर। ओके तो यू हैव u1 upon u2 cos 90, cos थीटा, सॉरी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज cos थीटा का स्क्वायर। बराबर, सिंपल सिंपल, यस। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, अगर आप देखोगे u1 खुद u2 cos थीटा है, या फिर u2 cos थीटा खुद u1 है, तो देयरफॉर h1 by h2 आपको मिल जाएगा u1 upon u1 का स्क्वायर, मतलब 1:1, 1:1 ऑप्शन नंबर पे। अब इतना भी करने की जरूरत थी नहीं हमको, ये तो चलो ठीक है, एक स्टैंडर्ड मेथड था, मुझे बताना था, मैंने बता दिया। शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, एक्सट्रीमली सिंपल ट्रिक। तो लेटेस्ट टॉक अबाउट दिस ट्रिक, ट्रिक समझ लेते हैं अभी। सिर्फ इतना पता होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए, एच इज u y² / 2g, याद रखना, और टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u y / g। इक्वेशन नंबर वन, व्हाट इज यू वाई? इट इज यू वाई इज t into g/2। इक्वेशन नंबर टू, t into g/2। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू यू हैव h इक्वल टू u y स्क्वायर
टी स्क्वायर जी स्क्वायर बाय फोर, यू वाई स्क्वायर टी स्क्वायर जी स्क्वायर बाय फोर अपॉन टू जी, अपॉन टू जी। देखो टू फोर जी जी स्क्वायर सब कांस्टेंट है, तो उससे मेरा मतलब ही नहीं है, वो तो कांस्टेंट है। तो एच इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, इसका मतलब एच वन बाय एच टू आ जाएगा आपका टी वन बाय टी टू का स्क्वायर। लेकिन उन्होंने बोला है कि टाइम ऑफ फ्लाइट ही सेम है, ऐसा बोला है, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, बोथ ऑफ देम रिमेन इन आरवी फॉर द सेम टाइम, तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, तो टी वन बाय टी वन स्क्वायर दैट इज वन इज टू वन, वन इज टू वन, ऑप्शन नंबर बी खत्म। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर तुमको सॉल्व करना है तो ऑफकोर्स आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन के कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होने चाहिए। तो मैं अभी रिपीट कर देता हूँ, बट यू हैव टू रिमेम्बर, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा, और शायद आंसर आएगा भी नहीं, थोड़ा सा मुझे गलत दिख रहा है, पर देखते हैं। अ बेसबॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी वी मेकिंग एंगल थीटा विद द इंक्लाइन, तो थीटा एंगल विद द इंक्लाइन है, राइट। फाइंड द कंडीशन दैट द बॉल, अच्छा विद द इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, तो बेसबॉल ने इंक्लाइन के साथ, इंक्लाइन प्लेन के साथ थीटा एंगल बनाया, इंक्लाइन प्लेन ने खुद हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बनाया, ऐसा बोला है। फाइंड द कंडीशन दैट द बॉल हिट्स द इंक्लाइन एट राइट एंगल, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। ये हॉरिजॉन्टल, ये इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल अल्फा, गुड, पक्का पक्का। यू थ्रो हियर अ प्रोजेक्टाइल विद सम स्पीड v, v, इट मेक्स एंगल थीटा विद द इंक्लाइन प्लेन, ये ऐसा गया और ये ऐसा हिट किया। ऐसा हिट क्यों किया, क्योंकि उन्होंने बोला है फाइंड द कंडीशन दैट द बॉल हिट्स द इंक्लाइन, मतलब इंक्लाइन प्लेन एट राइट एंगल, राइट एंगल थीटा, ओके, गुड 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 गुड। तो ये पता होना चाहिए आपको, दिस इज व्हाट दे आर गिविंग यू। अब हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैंने आपको पहले भी कुछ क्वेश्चन में बोला है, जो फाइनल एंगल बनेगा, फाइनल एंगल या फिर इंस्टेंटेनियस किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर आपको ये फाइंड करना है कि प्रोजेक्टाइल कितना एंगल बना रहा है, प्रोजेक्टाइल कितना एंगल बना रहा है, तो हम हमेशा वेलोसिटी के कंपोनेंट्स यूज करते हैं, हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज, हमेशा हमेशा वेलोसिटी के, ठीक है। तो टैन बीटा, वेर बीटा इज द एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट हिट्स द इंक्लाइन, लेकिन वो एंगल तुमको 90 दिया है, तो टैन 90 वी वाई बाई वी एक्स, लेकिन टैन 90 क्या होता है, साइन 90 बाई कॉस 90, मुझे पता है नॉट डिफाइंड बोलते हो तुम, लेकिन वो आता तो यहीं से है ना। वॉट इज साइन 90 वन, वॉट इज कॉस 90 जीरो, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो वी एक्स की वैल्यू जीरो आएगी, वी एक्स की वैल्यू जीरो आएगी, ठीक, तो वी एक्स जीरो आ गया। बट वॉट इज वी एक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड, वी एक्स को हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पे वी पैरेलल बोलते हैं, वी पैरेलल बोलते हैं, रिमेंबर, और वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी के हिसाब से यू पैरेलल प्लस ए पैरेलल टी होता है, वेयर टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों टाइम ऑफ फ्लाइट, मोशन खत्म हो गया ना, मोशन खत्म हो गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको यहां से यहां तक आने में टाइम जितना लगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, और इंक्लाइन प्लेन पे हम एक्स कंपोनेंट को पैरेलल कंपोनेंट बोलते हैं और y कंपोनेंट को परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलते हैं। तो अभी ये कंडीशन यूज करेंगे, तो वी एक्स मतलब वी पैरेलल मतलब वो जीरो है, और यू पैरेलल तुमको याद होना चाहिए, वो यू पैरेलल होता है यू कॉस थीटा। अब बोलोगे ये कहाँ से आया, मैं अभी बता देता हूँ, बट यू शुड नो। और बाय द वे हम जिसको यू बोल रहे हैं उसको वो वी बोल रहे हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होने के लिए मैं वी आखिरी में लिखूंगा, जरूरत पड़ेगी तो लिखूंगा, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा, this component here is v cos theta which is v parallel, this is v sin theta which is v perpendicular, ye component angle ko lag ke hai to ye cos component hota hai, ye perpendicular hai to ye sin component hota hai, okay, good good good, aisa hai, this is what you have, aur as I told you
इसको बोलते हो वी पैरेलल, इसको बोलते हो वी परपेंडिकुलर। तो वी पैरेलल इस यू कॉस थीटा, इसलिए लिखा यू कॉस थीटा। इधर वी बोला है, बाद में वी कर लेंगे हम लोग। ए पैरेलल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ए पैरेलल, ए पैरेलल इंक्लाइंड प्लेन पे जब मोशन होता है ना, तो उस केस में पार्टिकल कहीं भी हो, एक्सटेंड ड्यू टू ग्रेविटी, तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही आने वाला है, तो ये तो जी ही आने वाला है, बराबर। अब ये लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल को परपेंडिकुलर है, गुड। और मैं अगर यहाँ लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसा, तो ये लाइन इंक्लाइन को परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइंस में एंगल अल्फा हो, अभी अभी थोड़ा टाइम पहले बताया था मैंने, दो लाइंस में अगर एंगल अल्फा हो तो उन दोनों को परपेंडिकुलर लाइंस में भी एंगल अल्फा ही होता है, और ये हो गया तुम्हारा जी कॉस अल्फा, क्योंकि अल्फा को लग के जो कंपोनेंट होता है वो कॉस अल्फा होता है, और ये कॉस अल्फा जो है ये परपेंडिकुलर है, तो ये ए परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा जी साइन अल्फा, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा जी साइन अल्फा, और जो जी साइन अल्फा है ये इंक्लाइन को पैरेलल है, तो ये हो गया ए पैरेलल। तो तुम्हारे पास अभी ए पैरेलल की वैल्यू होनी चाहिए, और इसको हम लोग माइनस लेते हैं। क्यों माइनस लेते हैं भैया? रिटार्डेशन है, ये इट इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, और बिकॉज इट इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स मतलब ये मोशन को अपोज कर रहा है, मतलब ये रिटार्डेशन प्रोड्यूस करने वाला है, इसलिए माइनस लेते हैं। अब व्हाट इज ए पैरेलल? जी साइन अल्फा। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, ये भी इंटरेस्टिंग है। अभी मैं फॉर्मूला पूरा नहीं बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए। इंक्लाइन प्लेन पे टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा, ऐसा होता है g cos अल्फा, बराबर। जी जी कैंसिल, g और g कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको इसको इधर लाते हैं, sin अपॉन cos मतलब tan, तो tan अल्फा, tan अल्फा, और ये u साथ में है और 2 साथ में है और sin थीटा साथ में है, हाँ, साइन बाई कॉस इज टेन अल्फा, टू यू साइन थीटा इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। अब ये यू और यू भी हो गया कैंसल, यू और यू भी हो गया कैंसल, ठीक है। तो आपके पास आ गया टू टेन अल्फा इक्वल्स टू कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन इज कॉट थीटा, राइट। तो कंडीशन मिलनी चाहिए थी कॉट थीटा इक्वल टू टू टेन अल्फा, कॉट थीटा इक्वल टू टू टेन अल्फा मिलना चाहिए था, नहीं है, मैंने इसलिए बोला मिस प्रिंट है, 2 tan अल्फा मिलना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए बट विद करेक्शन। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन था, गुड लेवल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप, एग्जैक्टली सेम, सेम टाइप, एग्जैक्टली सेम है, वेरी गुड। टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम ए टू बी इज टी, ए से बी मोशन खत्म हो गया, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात हो रही है, तो स्मॉल टी टाइम ऑफ फ्लाइट है, याद रखना आप। देन द डिस्टेंस ए बी, ए टू बी डिस्टेंस इज इक्वल टू, ए टू बी डिस्टेंस पूछा है आपको, ए टू बी डिस्टेंस ना रेंज होता है, रेंज, रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन होता है, तो तुमको पूछा रेंज है, दिया तुमको टाइम ऑफ फ्लाइट है, और ऊपर से देखो रेंज पूछा है, यस करेक्ट आंसर देखो, टी 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 और टी, मतलब तुमको रेंज चाहिए इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो क्या करना, पहले तो रेंज का फॉर्मूला लिख लो, यू शुड नो, यू मस्ट नो दिस, रेंज ऑन एन इंक्लाइन प्लेन मैंने बहुत बार बताया है, वापस बता देता हूं, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ऐसा होता है। और टाइम ऑफ फ्लाइट तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, इक्वेशन नंबर टू। इन दोनों को डिवाइड कर दो, बेस्ट बेस्ट, तो आर बाई टी आ जाएगा, इक्वेशन नंबर वन को टू से डिवाइड कर दिया तो आर बाई टी आ जाएगा, आर बाई टी इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, करेक्ट, गुड गुड गुड। तो ये हो जाएगा टू यू स्क्वेयर साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, तो यू हैव टू टू कैंसल्ड आउट, यू यू कैंसल्ड आउट, साइन थीटा कैंसल्ड आउट, जी जी कैंसल्ड आउट, कॉस अल्फा एक कॉस अल्फा कैंसल्ड आउट,
इतना कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, u बचा, एक u बचा है, हम u छोड़ मत देना, तो r बाई टी इक्वल्स टू एक u बचा था और ये पूरा ही बचा है, cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा बचा है, बचा है, यस यस, और नीचे cos अल्फा बचा है, cos अल्फा बचा है। अब तुमको सिर्फ ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन में ही मैं बता देता हूँ तुमको, इंक्लाइंड प्लेन ने जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया इसको अल्फा बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ने जो इंक्लाइन के साथ एंगल बनाया इसको थीटा बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। लेकिन तुम देखो, तुमको ना ये पूरा एंगल दिया है 60, इतना एंगल 60 दिया है, और उसमें से ये छोटा एंगल 30 है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू पता है कितनी बन जाएगी, 30, तो 30 आ जाएगी थीटा की वैल्यू, तो थीटा आ गया 30, क्योंकि इनिशियल स्पीड यू का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 60 है, तो इंक्लाइन के साथ 30 बनेगा, तो थीटा इज 30, अल्फा इज 30, थीटा प्लस अल्फा इज 60, तो तुमको यहाँ पे, जहाँ पे थीटा प्लस अल्फा है वहाँ 60 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, कॉस 60, और यहाँ पे कॉस ऑफ 30 लिखना पड़ेगा, कॉस ऑफ 60 इज 1/2, और कॉस 30 होता है √3/2, तो ये हो गया कैंसल, और ये टी वहाँ गया, तो देयरफॉर आर इक्वल्स टू √3, √3, तो √3/√3 है ना आंसर में, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, सिंपल क्वेश्चन। बट चलो अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इट इज ऑल्सो अ वेरी नाइस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद इनिशियल स्पीड v, अभी जिसको तुम u बोल रहे हो उसको ये v बोलते, जानबूझ के बोलते कंफ्यूज करने के लिए, एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ऑफ द पार्टिकल बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ था मोशन, एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी इज। तो ऐसा है, यू हैव दिस एज एक्स एक्सिस, दिस एज वाई एक्सिस, एंड यू हैव दिस एज अ ट्रेजेक्टरी, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया, गुड। अब सबसे पहले पता होना चाहिए हाईएस्ट पॉइंट मतलब ये एच हो गया, यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस होता है रेंज आर, बराबर, अगर वो आर है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर बाय टू है, आपको बोला है एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, बराबर, हाईएस्ट पॉइंट मतलब पी पॉइंट तक आया, तो ओरिजिन ओ से पी पॉइंट तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, मतलब ओपी फाइंड करना है आपको। अब ओपी कैसे फाइंड करोगे, सिंपल, व्हाट इज ओपी, ओपी इज, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो ओपी इज वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर का रूट, या ओपी, तो यू हैव एवरेज वेलोसिटी, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट है आपका ओपी, और टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट बाई टू, टी बाई टू, आधा मोशन कंप्लीट हुआ ना, तो टोटल टाइम था टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आधा ही हुआ, टी बाई टू हुआ, ओके गुड, तो देयरफॉर यू हैव एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू ओपी, ओपी इज अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर बाय टू का स्क्वायर अपॉन टी, और ये टू गया ऊपर, ये नीचे टू था ना, ये ऊपर गया, आंसर तुमको इन टर्म्स ऑफ थीटा है, थीटा, तो तुमको एच आर और टी को इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखना पड़ेगा, तो अगर आपको याद होगा एच होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यू वाई स्क्वायर बाय 2g होता है ना, वो उसका स्क्वायर करेंगे, r रेंज होता है इफ यू रिमेंबर 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाय g, 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाय g, और एक 2 पहले से ही था, इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करना है, बराबर, अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट,
टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin θ/g, ऐसा होता है। गुड, तो एक काम करो, ये टू ये टू ये टू ये टू कर दिया कैंसल, बराबर। अब अच्छे से नोटिस करोगे, अगर इफ यू नोटिस u square, याद रखना, भूलना नहीं इसको, u square कॉमन, u square कॉमन दोनों में है, और u square का स्क्वायर होगा तो u^4 होगा, u square का स्क्वायर होगा तो u^4 होगा। साइन थीटा इसका स्क्वायर है, इधर रेस टू फोर है, उधर साइन स्क्वायर है, स्क्वायर है, भूलना नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लेता हूँ, कॉमन निकाल लिया। गुड, g का स्क्वायर इसको भी निकाल लिया कॉमन, g square कॉमन। तो पहले टर्म से तो सभी कॉमन आ गया, सिर्फ ये जो नीचे 2 है वो छोड़ के तो ये हो गया 1/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे। देखो, मैंने यू स्क्वायर कॉमन निकाला और स्क्वायर करके कॉमन निकाला, तो u^4 बराबर। गुड, मैंने साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाला, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर का स्क्वायर था, तो यहाँ पे साइन 4 था, तो 4 में से 2 गया, तो 2 बचा ना, तो 2 बचा, साइन स्क्वायर थीटा बचा। जी का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया और 2 बचा था, तो 2 का 4 आ गया, तो ये पहला टर्म आ गया आपका प्लस। यहाँ से यू स्क्वायर गया है, साइन गया है, जी भी गया, तो कौन बचा, कॉस स्क्वायर बचा थीटा। ये अभी आप तो सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहे हो, अभी डिनोमेटर पे आते हैं, डिवाइडेड बाय, डिनोमेटर का डिनोमेटर जी ऊपर गया, नीचे बचा यू साइन थीटा। गुड। अब एक काम करो, दिस इज इक्वल्स टू जी पहले से था, u^4 का रूट यू स्क्वायर, साइन स्क्वायर का साइन थीटा, जी स्क्वायर का जी और नीचे का यू साइन थीटा नीचे का, और अंदर रूट के अंदर क्या बच गया तुम्हारे पास, साइन स्क्वायर थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो 4 cos² θ अपॉन फोर। अब ये कैंसल, ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से, जी एक यू एक साइन कैंसल। तो बाहर तुम्हारे बचा u, और जो 4 का रूट है वो आ गया 2, और अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos² θ को मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos² θ। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसको मैं वन बनाने वाला हूँ, वन, क्योंकि मैंने ऑप्शन पहले देख लिए थे, तो मुझे दिख गया था कि 3 cos² θ आ सकता है, 3 cos² θ आ सकता है, तो ऑप्शन पे भी ध्यान देना पड़ता है आपको। u को v बोला है, v/2, ये 1 हो गया, 1 + 3 cos² θ आ गया, आगे आपका ऑप्शन नंबर सी, डन, गुड।